हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्यूरिस्डिक्शंस की, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें हमने ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसकी बात कर ली थी और रिट ज्यूरिस्डिक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया था। रिट ज्यूरिस्डिक्शन बेसिकली क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड आर्टिकल 226 के तहत किसके पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इसका मतलब ये हाई कोर्ट की एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है कि आप सीधा आपका अगर राइट वायलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आपको अलग अलग लेवल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या ये एक्सक्लूसिव है? तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये राइट आपको हाई कोर्ट भी देता है और आपको सुप्रीम कोर्ट भी देता है। सो इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो उसी में हमने किया था कि जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा वाइड होती है एज कम्पेयर टू रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपकी रिट ज्यूरिस्डिक्शन कब लेगा, जब आपके सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। बट फंडामेंटल के साथ साथ अगर आपके लीगल राइट भी वायलेट हुए हैं तो उस हाई कोर्ट है उसकी भी सुनवाई करेगा। तो इसका मतलब कि जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन है दैट इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब रिट ज्यूरिस्डिक्शन में ही हम रिट्स पढ़ रहे थे, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो द फर्स्ट वन वॉज हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब था टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, कि अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है तो वो जो रिट है वो इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए और किसी प्राइवेट अथॉरिटी के लिए भी। नेक्स्ट आती है हमारी मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। तो इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो कि अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके अगेंस्ट इशू करता है कौन से रिट, मैंडमस, कि आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करिए। और ये किस किस के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट, ठीक है, कोई ऐसा काम जो कि ऑप्शनल हो, गवर्नर के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन लोगों को जो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो नहीं बोल सकता कि आप अपना काम अच्छे से परफॉर्म कीजिए, मतलब इनके अगेंस्ट मैंडमस रिट है जो वो इशू नहीं हो सकती। नेक्स्ट आती है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जो हायर कोर्ट होता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इसको इशू करता है कि जो काम आपके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, जो काम आपके पावर में नहीं आ रहा, आप उस काम को मत कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्टियोरारी। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। नाउ दिस इज द फोर्थ रिट जो कि है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी इसका क्या मतलब होता है, टू सर्टिफाई। तो जैसे कि प्रोहिबिशन की रिट थी तो वो क्या होता था कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोलता था या ट्रिब्यूनल्स को बोलता था कि ये काम आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप इस काम को मत कीजिए, है ना। सो वो क्या कर रहा था, उसको ये काम, वो काम करने से प्रिवेंट कर रहा था। सो जो सर्टियोरारी है वो प्रिवेंशन के साथ साथ क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव का मतलब कि क्योर भी बता रही है। हाई सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा, जैसे कि हाई कोर्ट को बोलेगा कि ये जो पर्टिकुलर केस में आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हो आप नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन, आप क्या करें, ये जो केस है ये मुझे दे दीजिए। तो उसका क्या मतलब हुआ कि प्रिवेंट भी किया उसको वो काम करने से और साथ ही साथ क्योर भी बता दिया कि इस काम को मैं कर लूँगा। सो इसका मतलब प्रोहिबिशन जो सर्टियोरारी होती है वो प्रोहिबिशन की तरह ही होती है, बट ये क्या करती है, प्रिवेंशन के साथ साथ क्या होती है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव भी होती है कि आप उस चीज़ को मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर है जो उसका केस है वो सॉल्व कर दूंगा। सो दैट इज सर्टियोरारी। नाउ द नेक्स्ट रिट जो लास्ट होती है वो होती है क्योवरंटो। क्योवरंटो इसका क्या मतलब होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से, किस अथॉरिटी से। तो ये बेसिकली किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होती,
ये होती है ऐसे ऑफिसेस के अगेंस्ट जो कि या तो संविधान से बने हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो या स्टैचुरी बॉडीज हो, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ हो और उससे कोई बॉडी बनी हो। तो इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संविधानिक बॉडीज भी हो सकती हैं और स्टैचुरी बॉडीज यानी कि गैर संविधानिक बॉडीज भी हो सकती हैं। इनके अगेंस्ट ये क्यों वरंटो जो रिट है वो इशू की जाती है, जिसका मतलब होता है कौन पूछता है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है इन बॉडीज को कि आप किस अथॉरिटी से इस सीट पे बैठे हो, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशंस है, क्या आपके पास प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज है जिसके बिहाफ पर आपने इस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है। सो ये कैसे होता है, इसका मतलब होता है क्यों वरंटो। देखिए, अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने मान लो आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, या कोई भी आपको उनकी कंप्लेंट करनी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, किसकी वजह से, कोई भी बॉडी का आप नाम ले दीजिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर स्टैचुरी बॉडी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट क्यों वरंटो की जो रिट है वो इशू कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आप पहले तो ये बताइए कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हैं, क्या आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस है, आर यू एलिजिबल टू होल्ड दिस ऑफिस। तो वो जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुटरी बॉडीज। स्टैचुटरी बॉडीज कौन सी होती हैं, स्टैचुटरी बॉडीज होती हैं वो बॉडीज जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनी होती हैं। तो इनके अगेंस्ट जो रिट इशू होती है वो होती है क्यों वरंटो रिट। तो आई होप आपको रिट ज्यूरिस्डिक्शन समझ आया होगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो इन रिट्स को हम बड़े ही डिटेल में करेंगे, अभी हमने इसकी ब्रीफिंग ही की है। बट ये 5 तरह की रिट्स होती हैं। सबसे पहले कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस, द सेकेंड वन इज मैंडमस, द थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन सर्टियोरारी एंड द फिफ्थ वन इज क्यो वरंटो। किस किस के अगेंस्ट होती है, कौन करता है और क्यों करता है, ये हमने डिस्कस किया। रिट ज्यूरिस्डिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं है। रिट ज्यूरिस्डिक्शन के लिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। रिट ज्यूरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की वाइड है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्यों, क्योंकि आपके अगर फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट भी वायलेट हुए तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपका फंडामेंटल राइट ही वायलेट होना चाहिए। सो इसका मतलब ज़्यादा केसेस कौन सुनता है, हाई कोर्ट। सो इसका मतलब जो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो वाइड होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ नेक्स्ट वन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, द थर्ड वन इज एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। एपिलेट का क्या मतलब होता है, द वर्ड एपिलेट कम्स फ्रॉम द अपील्स। अब देखिए, थर्ड पावर एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन तो होगी, अपील सुनने की जो पावर होती है, द थर्ड वन इज एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, आपको सजा दी है किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने, ठीक है, आप क्या करोगे, उसका आप उसके जो पनिशमेंट है उससे सेटिस्फाई नहीं हो, आप उसके ज्यूरिस्डिक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, आप कहाँ पे अपील करोगे, हाई कोर्ट में। आप हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहाँ पे अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो यही होती है एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन, यानी कि लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई ना होने पर जब आगे अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो पावर को बोला जाता है एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये 4 मैटर्स में हो सकती है, यहाँ अपील्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स होते हैं, मान लीजिए किसी भी लॉ के आधार पर हाई कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी और वो पर्सन वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है उस सज़ा से, तो वो कहाँ पे अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। दूसरी बात आ जाती है अपील्स इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, कोई भी सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट का केस हो गया, देन उसके बाद सपोज
किसी सर्वेंट का और उसका जो मालिक होगा उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये जो केसेस होते हैं ये सारे सिविल केसेस होते हैं। तो इन केसेस में भी अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है एंड द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो ही कैन अपील इन कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी कहाँ पे आ जाता है, इसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपील्स इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स यानी क्राइम का कोई सीन हुआ है, मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है, तो ये जो क्राइम्स होते हैं इनकी अपील्स भी, अपील भी कहाँ पे हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है। नेक्स्ट हो जाती है अपील्स बाय स्पेशल लीव। नाउ दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, अपील्स बाय स्पेशल लीव। नाउ ये क्या होता है, ये आता है आर्टिकल हमारा 136 में, यहाँ पे आता है 133 सिविल मैटर्स वाला 133, और ये आता है 134। ओके, सो अपील बाय द स्पेशल लीव, ये क्या होता है, ये एक स्पेशल तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल तरह का केस है जो कि नीचे इंडियन टेरिटरी में किसी और कोर्ट में चल रहा है या किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है, कहीं पर भी चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए, वहाँ पर नहीं चलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस पावर का इस्तेमाल करेगा और उसको, उस जो केस होगा उसकी अपील सीधी कहाँ पे कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में कर देगा। यानी वो जो केस दूसरे किसी कोर्ट में चल रहा होगा उसको सुप्रीम कोर्ट इस पावर का इस्तेमाल करके, इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके कहाँ पे ले आएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले आएगा। तो उसको बोला जाता है अपील्स बाय द स्पेशल लीव, यानी स्पेशल लीव से वो क्या करेगा, जो केस दूसरे किसी कोर्ट में चल रहा है उसको अपने पास ले आएगा। ठीक है, तो ये होती है चार तरह की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। पहली अपील होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, दूसरी अपील होती है सिविल के मैटर्स में, थर्ड आती है क्रिमिनल के मैटर्स में, फोर्थ आती है अपील बाय द स्पेशल लीव, यानी स्पेशल तरीके से अगर उसको लगता है कि ये केस मेरे पास होना चाहिए तो वो क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है और वो केस को अपने पास ले आता है। बट इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं कर लेता, जब उसको लगता है कि ये केस वाकई में ही कोई इम्पॉर्टेंट केस है और मेरे पास आना चाहिए, तभी वो उनके पास आता है। ठीक है, तो ये आता है अपील्स बाय द स्पेशल लीव। नाउ ये स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भारत की टेरिटरी में कोई भी कोर्ट हो, वहाँ से कोर्ट को, वहाँ से केस को अपने पास ला सकता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन है, मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल, और कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल में अगर कोई भी केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्पेशल लीव का इस्तेमाल करके अपने पास नहीं ला सकता। इसके अलावा जितने भी कोर्ट होंगे भारत की टेरिटरी में, उनके केसेस किसके पास आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं बाय द एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे होता है इसका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन देखिए साफ ही पता चल रहा है कि उसकी पावर होती है कि कौन सी पावर होती है, एडवाइस करने की, किसको एडवाइस करने की, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की। सो फोर्थ जो ज्यूरिसडिक्शन आती है वो आती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन आती है आर्टिकल 143 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा यही आ जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 143 में क्या है, या एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कौन से आर्टिकल में आती है, तो वो आती है आर्टिकल 143 में। अब ये जो एडवाइस है ये कौन देता है, ये देता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट एडवाइस किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। अब कौन से मैटर पे, हमेशा अपनी कॉपी और अपने पेन अपने पास रखा करो और जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट किया करो। तो ये जो एडवाइस है ये कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे रहा है। अब कौन से मैटर पर एडवाइस देगा, दो तरह के मैटर होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। पहला होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ और फैक्ट, कोई लॉ या फैक्ट के आधार पर कोई एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को, तो वो एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात आती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
या कोई डिस्प्यूट आ रहा है, डिस्प्यूट अराइजिंग ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी कोई ऐसा विवाद आ रहा है जो संविधान से पहले वाले कुछ विषयों पर या मैटर्स पर आधारित हो। तो इसका मतलब कि अगर तो कोई लॉ या फैक्ट के बेस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोई बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का जो मैटर है यानी 1950 से पहले वाले मैटर, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से जो पहले वाले केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद बना है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था और सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, दो दिन बाद। तो उससे पहले वाले केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन देता है उसके बाद वाले केसेस की। अब उसके पहले वाले केसेस पर अगर किसी भी तरह का कोई विवाद या डिस्प्यूट आता है तो वो वहाँ पे एडवाइस जरूर दे सकता है। तो एडवाइस वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा इन मैटर्स के ऊपर। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, कौन से मैटर पर? लॉ या फैक्ट के बेस पर या फिर ड्यू टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अब ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दी है, देखिए, अब पहली बात, अगर मान लीजिए किसी लॉ या फैक्ट के बेस पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी मे और मे नॉट, उसकी मर्जी है वो एडवाइस दे या ना दे। बट अगर यहाँ पे बात आ जाती है, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पर किसी तरह का डिस्प्यूट आ जाता है और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर हिज एडवाइस, मस्ट टेंडर द एडवाइस, उसको एडवाइस देनी ही पड़ेगी। अब जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी, क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट मानेगा ही मानेगा? नहीं, एडवाइस है, ऑर्डर नहीं है, उसकी मर्जी, वो मान भी सकता है नहीं मान सकता। आप किसी से एडवाइस ले रहे हो तो आपकी मर्जी है ना उसको मानना या नहीं मानना। तो जो एडवाइस होती है, इट इज, एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, प्रेसिडेंट की मर्जी है उसको लेना या एक्सेप्ट करना या नहीं करना, तो वो बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर इसकी मेन ज्यूरिसडिक्शन है वो खत्म होती है। चार तरह की ज्यूरिसडिक्शन होती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि सीधे केसेस किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर आप वहाँ पे जाते हो और रिट्स इशू किए जाते हैं, पांच तरह के। तीसरी आती है हमारी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि अपील्स सुनी जाती है। और फोर्थ आती है जो हमने अभी किया था, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाह देने की। फिफ्थ आती है जो हमारा कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी जो भी फैसले, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सभी के सभी क्या किए जाते हैं? नोट किए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उनकी ज़रूरत पड़े या लोअर कोर्ट्स को कभी भी उससे हेल्प मिल सके तो जितने भी फैसले होते हैं वो क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी आ जाती है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली क्या करे, डिसओबे करने की कोशिश करे सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको क्या किया जाता है? उनको सज़ा दी जाती है। ठीक है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। ठीक है, दो तरह के मैटर होते हैं, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। सिविल कंटेम्प्ट, किसी ने विलफुली डिसओबे करने की कोशिश की है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, किसी ने कोई विलफुली ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से, ऐसा एक्ट परफॉर्म कर दिया, कोई हरकत कर दी जिसकी वजह से कोर्ट का जो स्टेटस है वो लोअर हो गया। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कुछ करेगा उसको क्या करनी पड़ेगी? सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको फाइन भी लग सकता है और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इनको क्या करना पड़ता है? अपना हर एक जो रिकॉर्ड है वो लिखना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है इनकी पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, ये हमने बातें पहले भी की हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया, देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। जुडिशरी का काम क्या है, उन कानूनों की वजह से कहीं किसी के फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहे। तो अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया तो उस कानून को अच्छे से रिव्यू किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। किस चीज़ के लिए रिव्यू किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं वो बना हुआ कानून आपके फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा। तो अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो कानून सही नहीं माना जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पावर होती है, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिव्यू करता है सभी केसेस को, सभी एक्ट को, सभी लॉ को जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसको अच्छी तरह से रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि कहीं वो लॉ किसी के फंडामेंटल राइट को तो वायलेट नहीं कर रहे। अगर वो कर रहा होगा तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये पावर किसके पास होती है, जुडिशियल रिव्यू की, सुप्रीम कोर्ट के बाद पास। इसके अलावा और भी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें हमने की है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन है या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है तो उनकी वजह से अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। यानी डिस्प्यूट्स अराइजिंग ड्यूरिंग कब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको देखने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। इसके अलावा इट कैन रिव्यू इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, फिर दूसरे ही फैसले में वो अपने ही डिसीजन को चेंज कर दे, यानी अपने ही फैसले को वो रिव्यू कर सकते हैं कि जो हमने डिसीजन दिया था क्या वो सही था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ था, इन पार विद द कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। दूसरी बात होती है इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री, यानी भारत देश में जितने भी कोर्ट्स हैं सभी में जो कानून, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वही कानून, वही फैसला लागू होगा। सो उसका जो लॉ होगा वो बाइंडिंग होगा कहाँ पे, ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। अब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उनको तो कम नहीं किया जा सकता, कर्टेल नहीं किया जा सकता, ज्यूरिसडिक्शन को कर्टेल नहीं किया जा सकता, पर जितनी भी ये पावर्स थी ये सुप्रीम कोर्ट के पास रहेंगी ही रहेंगी। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनकी पावर्स को बढ़ा भी सकती है। सो हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट कैन एनलार्ज और इंक्रीज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को एनलार्ज करना, इंक्रीज करना कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। तो इसके साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो अच्छे से फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, पूरे कम्प्लीटली हमने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को फिनिश किया है, कोई भी आस्पेक्ट नहीं छूटा है हमारी तरफ से। आप भी एक बार इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। थैंक यू सो मच।